हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो तरीके की शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। एक केसर का शरबत, एक रोज का शरबत। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। मैंने इधर 1 किलो शक्कर ली है, ये मेरी 1 किलो शक्कर है। मैंने इधर 1 ग्राम केसर ली है, इसको पानी में अच्छे से भिगो दिया है। ये 4 से 5 घंटे मैंने इसको पानी में भिगो दिया है जिससे इससे अच्छा कलर आ जाए। मैंने इधर केसर का एसेंस लिया है और गुलाब जल लिया है, डाबर का गुलाब रोज वाटर है ये लिया है यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब इसको बनाना। एक बर्तन में शक्कर डाल दी है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी अपने को उतना ऐड करना है कि बस शक्कर उसमें घुल जाए, ऐसा घीला घीला सा हो जाए, बस पानी इतना ही ऐड करना है। ये देखिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे इसको हाई फ्लेम पे, बस शक्कर घुल जाए, शक्कर मेल्ट हो जाए पूरा, इतना ही गरम करना है। देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको छान लेंगे। ये मैंने इसको छान लिया है। ये केसर है, मैं इसमें पूरी केसर ऐड कर दूंगी। कितना बढ़िया कलर आया है केसर का, बहुत इजी है ये घर में बनाना। और आप इसको पानी में, दूध में कैसे भी पी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए इसमें केसर ऐड करके कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें एसेंस और गुलाब जल ऐड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैंने इधर 3 गुलाब के फूल लिए हैं, इसकी पेटल्स अलग, पंखड़ियां अलग कर लिया और इसको अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। ये देखिए इस तरीके से। मैंने इधर 1 कप फुल भर के शक्कर ली है, 1 कप शक्कर ली है, गुलाब जल लिया है और रोज एसेंस लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पहले मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लूंगी। देखिए ये पेटल्स मैं इसमें अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लूंगी। इसका पेस्ट बनाना है। बर्तन में ये शक्कर डाल दूंगी, 1 कप शक्कर डालनी है और इसमें थोड़ा सा पानी कि शक्कर बस पानी में मिक्स हो जाए, बस इतना सा। ये देखिए मैं इतना पानी डालूंगी। अब इसको उसी तरीके से शक्कर को मेल्ट करना है जैसे अपन ने केसर का किया था। देखिए उसी तरीके से हमने इसकी शक्कर को मेल्ट हो गई है ये पानी में। और मैंने इधर रोज पेटल्स भी अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है। कितना अच्छा कलर आया है, कितना एकदम बारीक पेस्ट बना है। तो अब हम चाशनी को छान लेंगे। देखिए हमने चाशनी को अच्छे से छान लिया है और इसमें रोज का पेस्ट, जो रोज पेटल्स अपन ने पीसी थी वो इसमें ऐड कर दी है। अब हम 1 उबाल लेंगे जिससे रोज में भी जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। ये अच्छे से उबलने लगा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है रोज की। ये देखिए ये अच्छे से उबल गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें रोज का एसेंस और गुलाब जल डाल ऐड कर दूंगी। ये केसर शरबत और रोज शरबत बनके एकदम रेडी है, ये एकदम ठंडा हो चुका है। मैं इसमें केसर का एसेंस ऐड कर दिया, इसमें 1/2 टीस्पून केसर का एसेंस ऐड किया है मैंने, 1/2 टीस्पून रोज वाटर इसमें ऐड किया है। ये अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। ये केसर का शरबत रेडी हो गया है।
इसी तरीके से रोज के शरबत में मैंने एक ड्रॉप रोज फूड कलर ऐड किया है, एक ड्रॉप बस, और इसमें मैं रोज एसेंस ऐड कर रही हूँ हाफ। इसमें दो तीन ड्रॉप मैंने रोज एसेंस ऐड किया है, दो तीन ड्रॉप मैं इसमें रोज वाटर ऐड किया है, रोज वाटर रोज एसेंस। आप इसको 15 डेज तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप इसको पानी में, दूध में, किसी में भी ऐड करके पी सकते हैं, एकदम नेचुरल है, बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। देखिए रोज शरबत से मैंने रोज मिल्क बनाया है, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है एकदम। और मैंने केसर शरबत से ये केसर मिल्क बनाया है, इसका भी कलर देखिए, दोनों नेचुरल कलर्स हैं। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएंगे आपको। अगर आपको शरबत की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।